जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार अजमत बख्शिश सवेर समय दे इना पावन दीवाना विच असी हाजरी ना हो पाए हाँ वड पागता है गुरु हजूरी नू माण दे हाँ अजे हुणे अज दे पावन बचन गुरुवाक ज्ञानी जी सानू सरवण करवा रहे सी। इन्हां गुरुवाकां दा पाठ असी सरवण कर लिया है, पाठ दा दोहराव हुण नहीं होएगा। मगलेरे बणदे समय विच इन्हां पावन बचनां दी असी हुण तकरीर विचार करांगे। सो मर्यादित ढंग दे नाल गुरुवाकां दी तकरीर आपां प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इह गुरु हुकम राग सोरठ दा शिंगार है। महला तीजा गुरु अमरदास पातशाह, नानक जोत दा तीसरा जामा इन्हां बचनां नूं उचार रहा है। विचार दा आगाज रहाउ ते बंद तो कर रहे हाँ। साहिबे जिक्र करदे ने, हर जियो किरपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देहु आधारे। हर जियो किरपा करो तुम प्यारे, बाणी दे विच जिहनूं असीं इंटरचेंजेबल वे नाल कह सकते हाँ, किते गुरु तो बख्शिश मंगी जा रही है कि गुरु तरस कर मेरी करतार नाल सांझ बन आवे। किते करतार अगे रजोई की जा रही है कि हे बेअंत करतार तरस कर मैनू गुरु मिला दे। वी कैन एक्चुअली रीड दी सोर्ट ऑफ मैसेजेस इन इंटरचेंजेबल वे, कभी इस रूप में कभी दूसरे रूप दे विच। कई बार क्योंकि साढ़े अंदर बौद्धिक क्षमता आ सोच सकन दी, ये भी कुदरत ने दिती है, जो कि साडा इंटलैक्ट काम करता है, तो बंदे सवालिया चिन्ह लगता आ कि बाबा जी एवें किस रूप में कहते हैं। कभी गुरु नूं कह रहे ने तू तरस कर मेरे ते रब जी मिला दे, किते रब जी नूं कहिंदे रब जी तरस कर मैनू गुरु नाल मिलाप करवा दे। इहदे मायने की ने? इस तरह जाणीए कि गल ते सारी मन दी, मन दे नाल ही वावस्तगी है साडी। ते मन साडे अंदर दा एक ऐसा बहा आ विचारां दा, ख्यालां दा, फुरनियां दा, जिस दरिया नूं रोकना साडू नामुमकिन लगता। इहदे च बहुत सारियां चीज़ां असीं इनवॉल्व देख सकते हैं। नंबर एक इमोशंस, बंदा अज इत्थे है कल नूं इत्थे होएगा या अगले पल ही इत्थे होएगा। बाबा कबीर जी ने बयान किया, कहिंदे भी तुहाडी गल ते मैं नहीं करदा, मैं ते आप दसदा भी कबहूं जीड़ा ऊब चढ़त है कबहूं जाए प्याले। कदी ते सतवें आसमान ते उडारी ला रहा है, कदी कदी बिल्कुल पताल च जा डिगा, की कीता जाए। कबहूं जीड़ा ऊब चढ़त है कबहूं जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहत है चारे कुंटा पाले। ये चारे कुंटा पाल रहा आ, ये मतलब भ्रमण जिहड़ी माइंड वॉन्डरिंग कहिंदे जिहनूं असीं। सो सारे दे विच की हो सकदा आ, इसनूं होर सरल करके जे अंडरस्टैंड करन दा यतन कीता जाए, जिवें इस तरह जाणो कि अज दी ते रिसर्च च भी बहुत सारियां चीज़ां आ गईआं ने। कहिंदे ने कि टूडेज न्यू 18 is 27, अज दा नवीं जिहड़ी मैच्योरिटी एज आ उह 18 नहीं 27 हो गई है। उहदे बहुत सारे कारण ने, एक ते ए कि जिहड़ी पुबर्टी एज आ उह बहुत अर्ली हो गई, सो दे नाल
कला ये नहीं कि हारमोन्स बदल देने तो सम सोर्ट ऑफ चढ़ागा एक एक्सपोजर वक्री किस्म का बंदे की सुरत बड़ी अर्ली एज आना शुरू हो जाता है उधर सारी माइंड कमिस्ट जिहड़ा ब्रेन कमिस्ट्री बदल जाती है वो जिहड़ी जिस रूप दे विच जिस तरीके दे नाल बंदे नू जिन्हां चीज़ां की क्रेविंग नहीं होनी चाहिए जिन्हां चीज़ां दे बाबत सोचना नहीं चाहिए उस स्पेस लेना शुरू कर देंगे सो उस सारे दे अंदर की हुंदा कि जिहड़ी मैच्योरिटी समझ अर्ली आ जानी चाहिए उन्नी डिले हो जाती है एक तो आ रूप हो गया दूसरा साढ़े ब्रेन दे बायोलॉजिकली एक पार्ट हुंदा आ इस बिल्कुल जो सा फोरहेड स्लेट है पिछे नू ग्रे पार्ट कहने असं वो अराउंड कहते हैं कि 21-22 की एज डिवेलप होना शुरू हो जाता है पर उहदे बाबत भी मन्या गया कि उहदा रीजन साडी रहन सहन साडा आर खुराक कह लो तो साढ़े अगेन साडियां कॉग्निशन एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने उस लैवल ते इंप्रूव नहीं हो पाउंदियां तो वह भी डिले हो जाता सो उस रूप में की हुंदा कि वो थोड़ा होर डिले होने करके सो वो 25-26 तो 27 इस पासे चला जाता जिहड़ियां चीज़ां पहली एज बिल्कुल भी इस तरह कह लो कि नॉनसेंस लगदियां सीगियां उस 27 तो बाद मेक सेंस करन लग जांदियां एम बार अज तुसी देखिया सुनो हैगी आउट ऑफ द ब्लू या रचली almost in April and we are witnessing these kind of things and this is the reality of North America without any doubt when they like the city da loon mug gaya hunda sorry kyunki highway to leke sara all the way just slippery nothing else was there khair suppose sunday hai kise 18-19 saal de bacche ne father to promise liya hoye कि नवी कार ल्यांदी कर कोई महंगी गड्डी कह लो कोई लग्जरी SUV वगैरह तो प्रोमिस ये सीगा कि संडे वो अपने फ्रेंड्स के नाल लोंग ड्राइव ते जा सकता ठीक वो हुण वेट कर रहा पढ़ाई कर ली भी संडे इज ऑलमोस्ट ऑन द कॉर्नर बट स्टिल इज टेकिंग ए लॉन्ग यू नो ओ माई गॉश दैट्स रियली हार्ड स्टिल टूडे इज फ्राइडे ओ माई गॉश सैटरडे वन मोर डे आई हैव टू वेट दैट्स नॉट सो ईगर फाइनली संडे इज हेयर सो संडे अर्ली मॉर्निंग ही और शी इज लिविंग द बेड एंड देन राइट वे आई एम रेडी डैड गिव मी द कीस डैड कहिंदा भी तू कमला होया बाहर निकल के देख की हाल है वट There is snowstorm, beta. Slippery roads are slippery, you know. And we don't have actually snow tire. It's all season tire because we just bought this car. So I think we have to postpone our program. Not at all. You guys are totally, you can say, promise breaker. You guys are not even. I don't think you guys are actually we should believe on toward you at all no to see te bilkul bhi nahi kise tade te vishwas hi nahi kita ja sakda bhai suno bhai doesn't matter but you promise bhai hun ki kita jaye hun utthe kai wari parents thoda decision hard le lende bhai doesn't matter you I know you are a little bit upset toward us but it's okay we will not allow you because that I can tolerate that your upset mood or all these things but I cannot tolerate when you actually get involved in accident or anywhere else no no that's too harsh for me khair kise tarike de naal is tarike naal par bacche da dil tut gaya unne kya abhi main na hypocrite re jhooth bolde ne promise keep nahi karde eh sara kuch theek hai ji hun oye baap ek jagah te khada hai बेटा या बेटी दूजी जगह पर खड़ी है चलो वो खैर किसी किस्म के नाल बिटरनेस हुई रिलेशनशिप ये सब कुछ हो गया यदि समझ कदों आएगी जो 27-28 का आएगा
जो एक दिन एह जहा सीजन होएगा इस तरीके सवेरे सवेरे गड्डी लैके बाहर निकलेगा तो अराउंड पता होएगा भी 70-80 तो जा रहे हैं. कार इज इन माई कंट्रोल, इट्स नॉट ए बिग डील, यू नो. आउट ऑफ द सडन पता लगा माई गॉश ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग, वाई कार इज एक्चुअली स्केटिंग लाइक द एक्चुअली कैन से जस्ट जिमें स्केटबोर्ड हों. ओ माई गॉश, फिर मैमरीज फ्लैश बैक करनी है वापस. डैट वॉज राइट, यू नो, मेक सेंस. दैट टाइम इट वॉज नॉन सेंस. एक ही है इस रूप में जाना ना इस बात जी मन की कर रहे थे उत्थे आ जी वापस हूँ. ये की होंगे कि ये ना इस एज तक इस मैच्योरिटी तक जाने लिए टाइम बाय करना होंगे, नथिंग एल्स. नो वन इज राइट, नो वन इज रोंग, टाइम बाय करना. वो टाइम बाय करद्या करद्या वो समा आता जदों चीज़ा समझ आ जाती है भी हाँ गल ठीक है. अध्यात्मिक खेत्र दे विच भी नो डाउट, इन्हीं मन नू पता नहीं गा, मन जानदा पर चीज़ा नू फॉलो नहीं करना चाहता. मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे कि किता जाए. फिर किसे ढंग नाल इन्नू किते ना किते इनवॉल्व किया जाए. इनवॉल्व किवें करोगे, वो तो किसी नू सॉरी टू से टके सेर नहीं जानता. कहिंदा भी जो मैनू पता किसी नू भी नहीं पता है, आई नो एवरीथिंग. कजाक है तो बल्कि जितना ज़्यादा थोड़ा बहुत बंदे को नॉलेज का भंडारा वाधा आया तो जिम बाबा जी बयान करते नानक गुरु ना चेतनी मने अपने सुचेत. वो तो बुआड़ी तिल बन जाता छुट्टे तिल बुआड़ जो सुंजे अंदर खेत, वो तो दूजियां नालों थोड़ा उच्चा हो जाता. वो कहिंदा भी हद हो गई. जिवें भाई साहब जी ने असीं नज़मां पढ़ते हैं तो बयान करते होंगे ने कि सिरकच कोल बना हथ लिता पढ़िया द्वारे पिरिया दर दर दे टुक मंग मंग पाए तुन तुन के सी भरिया भरिया वेख अफरिया मैसा सोचा ज्ञानी बनया. पता लगा भी मैनू जिनी समझ है किसी है ही नहीं गई. हूँ बुआड़ी तिल जिहड़ा आ उस हालत दे विच ते बहुत औखा हो जाएगा. फिर की किया जाए, फिर यह है इसनू किसी स्पिरिचुअल इंटलैक्चुअल मीनिंगफुल एक्ट इनवॉल्व किया जाए. इस करके बाबा जी ने एडा वड्डा ग्रंथ साहिब साजिया, हुक्म दिता सिख वास्ते आयो सुनन पढ़न को बाणी. तू बाणी सुननी है, तू बाणी पढ़नी है. फिर विच विच ये क्या पढ़े हैं ना ही भेद बुझे हैं पावना आवी करना है तू. इदियां बुझारतां बजन बुझनियां ने तू. सो इस रूप दे विच जिहड़ा आ जिवें डॉक्टर तारण सिंह जी बहुत शानदार बुक आ सिखी रहस अते रमज, इहदे रहस नू पकड़ना इहदी रमज नू पकड़ना इहदे अंदर इनवॉल्व होना. करदिआं करदिआं की हुंदा कि मन दे विच इक लैवल आउंदा जिथे जा के मन नू हुण बहुत ज़्यादा कुछ कहण दी लोड़ नहीं पैंदी. उसनू एक बिलीव एक एहसास जैसे शब्द पढ़ते ना भी एक हालत ऐसी बन गई जो क्या गया कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो. तो गुरु ने हुक्म करता भला है जी सत सत बचन. बस इतने मन की कजाकीयत मन की चलाकी मन का कोई रूप रह ही नहीं गया. उन्हें क्या जिवें क्या एज इट इज़ ओवें फॉलो कर लिया उस रूप दे विच. ए मन की दशा जेड़ी है ये बिल्कुल नूर वाली है प्रकाश वाली है. इतों तक हौली हौली रसाई करनी है पर उदों तक इन्हें बैक एंड फोर्थ जाना आ. इसने जिन्हों मूड स्विंग करना कहने सब चीज़ा होनगिया तो आप उस सारे नू काउंटर करने वास्ते फिर अपने आप नू एहोजी एक्टिविटी इनवॉल्व कर लीए. जिवें बाणी दे लिखण दा तरीका भी तुसी देखो कुछ मात्रे ऐसे पाए ने जिहड़े बोले नहीं जांदे जिन्हां दा बोलन नाल संबंध सीधे तौर ते नहीं आउंदा. आपां जो कोई नहीं पढ़दा एक ओंकार तो बाद सतनामो जो पढ़ोगे तो रोंग होएगा
पर औंकड़ उत्थे है, साडे विचों कोई नहीं पढ़ता भी साहिबंग गुर प्रसादे नो दद्दे नू सियारी है उत्थे, पर आप प्रसादे नहीं पढ़ते। जो कोई पढ़ेगा कहेंगे इन्हू पाठ नहीं करना आता, प्रसाद है, प्रसादे थोड़ा होंदा। सो इस रूप दे विच इहदे च की है, इहदे विच बंदा गहरे तल ते अपने मन नू इनवॉल्व करता, चीज़ां नू पकड़ता, बैक एंड फोर्थ जिहड़ी एनर्जी होर किते आले दुआले लगनी है खुराफात दे विच, वो इत्थे जिहड़ी है वह लगनी शुरू होएगी। मन की जिहड़ी माइंड वॉन्डरिंग आ वह घटेगी। सो इस सारे रूप दे विच बाबा जी ने बात की। अदरवाइज महाराज भी बयान करते, गुरु मेरा संग सदा है नाले। गुरु कितने बार है ही नहीं गा, गुरु तो तेरे अंग संग है। वो तो बाबा कबीर जी कहते, कहो कबीर मैं सो गुरु पायो जाको नाओ विवेको, तो विवेक हो के मेरे नाल रव रहा आया। जो तो महाराज बयान करते, गुरु मेरा संग सदा है नाले, साढ़े जो किन्ने गुरु ग्रंथ साहब न हर वक्त कैरी करके नाल तुरद हाँ, हालांकि रहा भी इस रूप दे विच। साढ़े उत्ते फुलगिया रियासतां चो एक राजा, उसने बहुत छोटा जिहा मतलब जिहड़ा हैगा महाराज का सरूप वह लिखवा लिया, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सारी बाणी जिहड़ी है वह लिखवा ली, एक छोटी जी कह लो कि डायरी दे, छोटी जी डायरी दे साइज़ दे उस रूप दे विच उहनू लिखवा के, ते सोने दे तवीत दे विच उहनू मड़ा लिया, ते उहनू गल च पा लिया। तो जो कोई पूछे कहन लगा, जी मैं गुरमुख हो गया, आई कैरी माई गुरु। देखो मतलब मनुखी मन की दशा अपनी है इस रूप दे विच, हालांकि बाबा जी ने एवें कैरी करने वास्ते कहा सीगा। हाँ बाबा जी ने कैरी कहा सीगा कंठ, बाबा जी ने कैरी करने वास्ते कहा सीगा हम बाय हार्ट, ठीक है बिल्कुल। पर एक्चुअली ये है कि जिथे तू विचरना है उथे गुरु तेरे नाल होए, तो गुरु नाल किवें होगा, मत बन के, अकल बन के, सूझ बन के, समझ बन के। अदरवाइज जो तू विहार करना आ, जो वो विहार दे विच असी बचन पढ़ते हैं आचार आचार विचारी, ये विचार तेरे आचार का विहार बने। जिवें कई बार मसाला कीतियां जांदियां दित्तियां जांदियां कि किसी दे कोल तुसी टोकरी भर के बुलेट्स ही रख दियो, तो ये कहो कि यू नो दीज बुलेट्स आर दे एक्चुअली ब्लो लाइक ए बिग वॉयस ठा करके इस रूप दे विच, एंड दे ऑल्सो एक्चुअली कैन वूंड प्रोवाइड और कैन से डू सम सोर्स ऑफ वूंड टू समवन, इस तरीके दे नाल ठीक है जी। पर बंदा कह किवें, उन्होंने हाथ च फड़ के इस तरीके देख ले, कुछ भी नहीं होया। वो कहें नो नो जो तुम आप किसी पर चलाने, अच्छा आप कि चलाने, लैट मी थ्रो टू वर्ड समवन, हाथों नाल सट्टियां पांच सत्त दस वारी, कुछ भी नहीं होया। बंदा कहे कुछ नहीं है, एवं है इस तरह नहीं, वो नहीं भाई इन्हें च आवाज़ भी है, ये जख्म भी कर देंदिया ने, ये कमाल कर देंदे, पर उदों जदों ये गाने च पैंदिया ने। जे उहदे च नहीं पाओगे तो फिर ये रूप जिहड़ा उस रूप च असर असरार नहीं करेगा। कुछ चीज़ां ऐसिया ने जिहड़ियां जिन्हां नूं लगातार सुरत च पाउणा पैंदा है, ये जिहड़ा मतलब बाणी दा ये बाण है चलदा आ, पर कमाई दे कमाण चलदा कहिंदे, पर कमाई दा कमाण जिहड़ा आ उह आ कि अपनी सुरत च पाउणा, उस नूं उस अपने एनालैटिक वे दे नाल अंदर लैके जाणा, अपने आप नूं उहदे नाल रिलेट करना, दुरुस्त करना, अपने आप को कुरेदना, खोजना, दसना बाबा की कह रहा है, मैं की कर रहा, इस सारे हाल हालात नाल सिजना, ये रूप है चला वलते। जिन्ना डीप इहदे नाल अंगेज करेगा बंदा उन्ने उहदे विचार प्योर होणगे, ते कल्ले विचार प्योर नहीं होणगे, उहदा आचार बदलेगा, विहार बदलेगा, एंड ऑफ द डे किरदार बदलेगा। उहदी जिहड़ी किरदारीयत है ना, जिहनूं परसनैलिटी कहिंदे आ असीं, शख्सी उसारी वो डिफरेंट हो जाएगी। सो इस रूप च बाबा जी ने सारे का सारा जिहड़ा हैगा वो रूप रचिया है। हाँ बाणी ये कहिंदी है रब ते गुरु एक ही है। ईवन बंदे जिथों बात शुरू कर रहा सीगा कि तेरे तो उहदे च कोई बहुता फर्क नहीं हैगा, महाराज दे शब्द पढ़दे हां, समुंद विरोल शरीर हम देखिया
जो बहुत गहरे तल से मैं अपने आप को समझिया तो अंडरस्टैंड किया ना कुरेदिया समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाई। गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है इको ही रूप आ उही कि गुर बन के रव रहे हो कि गोबिंद बन के रव रहा फिर गुर ते गोबिंद दोवें ही मैं कैरी कर रहा वह भी मेरे अंग संग है कि प्रकाश इनलाइटमेंट के रूप के वह भी मेरे अंग संग है जीवन के एक एक मतलब जिन्हों कह लो कि वह घट घट विच आप ही वस रहा सारा उस रूप के अंदर। पर हाँ मन में एक किसी ऑक्यूपाई करने वास्ते किसी ऑक्यूपेशन लाने वास्ते भी सानू यह सारा कुछ बैक एंड फोर्थ कहना समझना अंडरस्टैंड करना तां बाबा जी ने लिखा है किते क्या गुरु अगे अरदास कर किते क्या रब अगे अरदास कर ते सारे वलवले मन दे नाल ने मन नाल सिजना मन नाल जिहड़ा है नजिठना है बचन आ रहा है सब बयान कर रहे ने हर जियो कृपा करो हरी जी हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करो तरस करो तुम प्यारे तुसी सब नू प्यार करने वाले हो तुसी प्यार दा स्वरूप तुसी प्यार दी असल च मूरत हो। मैं तुहाडे तों की मंग रहा सतगुर दाता बेल मिलावो मैनू ना सतगुरु दाते नाल जिहड़ा वह दहिंद है उहदे नाल मुलाकात करा दिओ मेरी। हुण इस रूप विच आ कि आपां सकी वार दी गल ही कर रहे सीगे महाराज बयान करदे जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हज़ार इत्ते चानण होंदिआं गुरु बिन कोर अंधार। मतलब ये कि बंदा जिवें अज आप मॉडर्न एजुकेशन की गल करते हैं ये इस तरह होंदा सीगा कि जे एजुकेशनल मॉडल्स नूं देखोगे तो यह होंदा कि जे बंदे नूं तुसीं कोई संसारक कारगुजारी सिखाउणी है कोई स्किल कोई ऑक्यूपेशन कोई प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है वो लिए स्कूल स्कूलिंग होंगी स्कूल भेजा जाता उस सिखाते भी तुम जिहड़ा हैगा चंगे कोई टेक्निकल साइड अपने आप को किवें लैके जाना है तुसी संसार दे सोसाइटी कुछ चंगे कंट्रीब्यूटर बन सको जिदे इवज विच सोसाइटी तुहानू माण सत्कार दे तुहाडियां बाकी दियां लोड़ां थोड़ां दी पूर्ति वास्ते तुहानू उस बने हुए सोसाइटी के क्राइटीरिए तुहाडा हक मिल सके उहदे लई स्कूलिंग सानू प्रिपेयर कर दी। पर नाल दी नाल इह भी है साडी लोड़ कल्ली इह ते नहीं ना कि साडे कोल कोई ऑक्यूपेशन आ जाए कोई स्किल आ जाए कोई सब कुछ साडी लोड़ ते इह भी है कि असीं एज ए ह्यूमन भी चंगी जिंदगी जी सकीए। होया ये कि इस तालीम दे विच इन्हां दोनां कॉम्पोनेंट्स नू मतलब कट्ठियां करता ठीक है जी चली गए जिमें जिमें जिहो जी इनोवेशन या इनोवेटिव वर्ल्ड च असीं आ गए एक कॉम्पोनेंट बिल्कुल बाईपास करता बिल्कुल बाईपास। मेरे को इतने मैडिकल स्कूल एक प्रोफेसर आया करते से ओटवा तो वो मैडिकल स्टूडेंट्स नू एथिक्स पढ़ाते ते मैं उन्होंने एक बार बाय चांस क्या मैं क्या जी भी यू नो योर जॉब इज एक्चुअली यू कैन से इट्स वेरी ईजी जॉब हु केयर अबाउट एथिक्स जस्ट वो कहें या यू राइट हु केयर्स अबाउट एथिक्स इज ट्रू बट द सेम टाइम जो तुम सोसाइटी के चाहो जी ओथ ली हो इस तरीके पढ़ाई की हो सारा कुछ तू वो काम दिता गया हो जिन्हों को सीखना नहीं चाहता कहती फिर बहुत हार्ड है मनु फिर पता लगता भी माई गॉश भी तुम जो काम कर रहे हो ये काम किसी के काम नहीं आने वाला पर तुम करना पैना है कहती ये बहुत हार्ड पार्ट है। तो फिर होंगे की है डिस्पोज उन्होंने सारी स्टडी हो गई सारा कुछ हो गया तो अखीर दे विच उन्होंने महीना दो महीना बिठा के तो क्या जाना भी हुण तुसीं थोड़ा एथिकली अपने आप नूं साउंड कर लो भाई एथिक्स एक्चुअल लैवल ते ये तो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन तो शुरू होने चाहिए बल्कि जो तुसीं थोड़ा एंशियंट लिटरेचर पढ़ते हो तो उहदे च कहा जाता सीगा पहला बच्चे नूं एथिकली स्ट्रोंग कर लो उहदी इस तो पहला कि अपनी परसनल आइडेंटिटी नाल जुड़े जिहड़ी कुदरत ने उहनूं दित्ती एज ए ह्यूमन वक्रे रूप दे विच
एक यूनीवर्सली यूनीवर्सल आइडेंटिटी मान लवे, सारियां दे नाल सब मैं जोत जोत है सोए, यह संकल्प समझ लवे वे असी सारे मनुख इको जी हाँ, रब ही वसदा साढ़े सारियां दे च। सभै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै, असी उही हाँ, साढ़े सारियां दी इको ही होनी है, एक पिता एक सके हम बारिक, ये पहला समझ आ जाए। फिर वो जो भी करेगा जिहड़ी यूनीवर्सल आइडेंटिटी है उहदी, इस तो बाहर होके नहीं करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली की होया कि ये चीज़ जिहड़ी है बिल्कुल एलीमीनेट कर दी गई। तो हुण भावें जिन्ना मर्जी इनोवेशन की दुनिया या जो मर्जी है, पर जिहड़ा बंदे च एक निजवाद आ जिहनूं असीं परसनलिज़म कहिंदे आ, वह बंदे की परसनैलिटी बन चुका है। तो वह शख्स अपने आप नूं इस रूप में उसारदा, तो फिर पहला कहा जाता सीगा यू नो जॉइंट फैमिलीज तो न्यूकलीयर फैमिली मॉडल आ गया। हालांकि लोग कहते कि जॉइंट फैमिलीज ओ ये बहुत बड़ी एड्डी भारी पंड होंगी है, चकनी बड़ी औखी है, ठीक है जी। न्यूकलीयर फैमिली दैट्स गुड एक्चुअली, ये मतलब बिल्कुल अटोनमी आ जाती है, ये सारा कुछ हो जाता। भाई गल है उस फैमिली के अपने इशूज ने, जो सोसाइटी की अज की हालत असं देख रहे हैं वो निकल के आई है। तो अगले पड़ाव असं देखते हैं प्लैटिनम फैमिली मॉडल आ गया, मतलब उस तो ही नैक्सट मॉडल जिदे बारे तो सोचा भी नहीं जा सकता भी आह भी चीज़ हो सकती भाई। हाँ अजीब हालत है। सो इस सारे दे अंदर इंडिविजुअलिज्म इन्ना हावी हो गया तो बंदे नूं एक लैवल ते पता नहीं लग रहा कि वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, व्हाट्स द परपज ऑफ दिस लाइफ। कभी आप सोच सकते हैं ये बहस चलती हुए यूथनेशिया का ला बनाओ छेती तो छेती, है ना, राइट टू डैथ जो इतने भी लैके आए बहस हो रही थी। तो यूरोप देश के दे बहुत सारे मुल्क बड़ा कुछ इतने होया, बड़ी बड़ी मतलब एक तरह की तमाशेगिरी कह लो सारी। पर यह सारा कुछ है की है, जो बंदा बिल्कुल निजप्रस्त होकर जिएगा जिंदगी का परपज की रह जाएगा। जड़ा है ना सतगुरदाता मेल मिलावो, जड़ा महाराज ने बयान किया तो क्या कृपा करो तुम प्यारे, जिंदगी प्यार च पुगदी है। प्यार का मतलब पता की होंदा है, प्रेम, परे मैं है ही नहीं का विच, किसे नू देना या किसे नू सवारना या भला ही होंदा है। बंदा इस करके जी रहा है क्यों, क्योंकि आले दुआले बहुत काम ने उहदे कोल, उहने कईआं नू घर दे विच पोता आ गया, दोता आ गया, पोती आ गई, दोती आ गई। उस बुजुर्ग मां नू लगदा इहनू हुण वड्डिआं होंदिआं वेखांगी, उमंग आ गई, उहनू अर्थराइटिस तंग करदा, उहनू भुल ही जांदा जदों उह आके उहदी झोली च बैठदी, उहदे वास्ते उठ के भी खड़ी हो जांदी, उहदे लई बणाउण लई भी तैयार हो जांदी, उहदे लई उहनू वाक करन लई भी तैयार हो जांदी। जिहड़ा मतलब शख्स कल तक किसे तो हूं नहीं सी खवाउंदा, वो अज पोते दे अग्गे नौकर बनया आ, वह उन्हें कहिंदा भी खड़ा हो जाओ, कहिंदा लो जी खड़े हो गए जना, बैठ जाओ, आ की है एक्चुअली, कि फोर्स आ। कहिंदा मैं तो किसी की मतलब हेंकड़ नहीं मनदा, पर अज हालत यह है, ये चीज़ है, किहड़ा चाबुक है उहदे कोल जी जिहदे नाल चला रहा छोटा जिहा बच्चा। मैं देखो चीज़ा बचन दी असीं अर्थ करते हैं, एक आखिरी एग्जाम्पल दे के हुण मेरे जहन च आई है। साडे रिलेटिव सी चंडीगढ़ रहिंदे सी, ते ओ मैं एक वारी गया उहनां दे कोल, ते उहदे च होया ये कि पोता दादा दादी ने तो पोता कोल आ उहनां दे, ते उसने कंघी करवाउणी कि सानूं, ते घर दे विच उहनां दी कोठी दे विच दो टीवी लगे ने, एक इस कमरे च, एक थोड़ा लिविंग रूम है शायद इस तरीके नाल। ते मस्कीन जी की कथा आ रही है, हुण दादा कहिंदा भी कथा सुननी है, पोता कहिंदा भी होए ना होए तो जे मैं हैगा घर दे ते ये कथा किवें सुन लवे, वो कहिंदा मेरा कार्टून शो चलेगा, लाता उहने, वो दादी उहदी कंघी कर रही उहनूं, तो उहने जूड़ा खोलिया कंघी करन वास्ते, तू वेख नहीं रहा, वो दूजे पासे मूँह किया, तो दादी ने डोल चेंज कर लिया, भी लै इहनूं कहिड़ा पता लगना आपां आवाज़ हौली जी करके,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਘੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿ ਲੈਂਗਾ ਦਾਦੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਡੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ, ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਦੀ ਕੰਘੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੋ ਬੱਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੱਜੇ ਵੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਹੇ ਰੇਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਦਸਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟੋਲਰੇਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਗਾਸ਼ ਵਟ ਆਰ ਦੇ ਟਾਕਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਆਵਰ ਐਫਰਟ ਫਾਰ ਵਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਆਰ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ? ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, we are totally lost, we don't know how to love each other, that is our main need, tolerance is nothing. Banda man de vich salwate le reya par kise nu tolerate kar reya ki koi gal nahi, chal bardasht kar la bhai mana koi gal nahi, eh bardasht karna eh koi gal hai, pyar karo, par eh karo kivein? Satguru data mel milao, jehdi main baat shuru kiti sigi ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ, ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਲਾ ਆ ਸਿੱਖਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਨੇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਾਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ,
सतगुरु की सेवा तो यह है, जिथे जाके अखीर शब्द मरो की गल आनी जाके अपने आप नू शब्द दे नाल अंगेज करके अपने विचों कूड़ की मत नू मारना, यह सतगुरु की सेवा आ। ये नहीं करांगे बहुता दुख लागे, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्द देह बुझाई। पर मालक असी ते दीन लोग हाँ, तू ते जुगा जुगांतरां तो दाता है, ते तरस कर। इहदे विच जिहड़ी यूनीवर्सल कह लो कि मैथडोलॉजी है, तरीकेकारता है लर्न करन दी, वह शब्द ही है। शब्दे देह बुझाई, शब्द सदका है मैनू बुझा दे। मनसा मार दुबिधा सहज समाणी पाया नाम अपारा, मनसा मार दुबिधा सहज समाणी। हुण मनसा मन दियां बहुत निज रूप दे खाशां जिहड़ियां ने, ये जो तो बहुत वध जांदियां ते बंदा दूचिती च पै जांदा कि इन्हां नूं, हालांकि दिस भी रहा हुंदा कि बहुत ज़्यादा निजी खाशां दे च जियांगा ते जहर बन जाएगा जीवन। पर वो दुविधा जिहड़ी है वो एक उहदा रस आ, एक उहदा स्वार्थ आ, भाव आ, कुछ एरोगेंट आ जाता, उस बिहेवियर आ जाता एरोगेंस का, तो सारे दे दूचिती च पिया रहिंदा बंदा, सही दिसदा भी सही नूं फॉलो नहीं करता। सब कहिंदे इह जदों मर गई, इह जदों मुक गई, सहज समाणी राम, सहज समाणी पाया नाम अपारा, फिर वो सहजे रूप दे विच अपार नाम जिहड़ा इनफिनिट नॉलेज या ज्ञान कह लो, वह बंदे तक फिर पहुँचता है। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबे काटनहारा, इस रस नूं प्राप्त करन दे नाल जिवें चीज़ां दा रस आ, जिवें हुणे बात कीती कि बंदा भी कह सकता आ कि बच्चे की की हिम्मत आवें कर जे नो, तो वाकई च हिम्मत नहीं गई, उन्हें डांट दियो फटकार दियो तो की कहेगा बेचारा उस रूप दे विच। पर उहदे हो के उन्हों अपना बना के मैमरीज की होणगियां, यादां की होणगियां, कल नूं वो किवें कहेगा कि मैं बनना तो अपने दादे वर्गा बनना, वो किवें कहेगा यू नो आई वॉन्ट टू बी लाइक माई ग्रैंड मॉम, माई आइडियल इज, ये किवें बनेगा। ये प्यार आ सब जिहड़ा बयान करदे ना, हर रस चाख और एक रस आ जो एवें चख्या जाता है, किसी के हो के किसी अपना बना के सेवादार हो के सैल्फलैस हो के उस रूप दे जदों बात की, फिर एक मैल रहत स्वार्थ मैल होंदी है, इहदे तों रहत हो के किलबे काटनहारा, पापां दे बीज जिहड़े ने उहनां दी काट हो गई। शब्द मरो फिर जीवो सदे, शब्द मरो हंकार वाले पासे मर जाओ, कुमत वाले पासे मर जाओ, स्वार्थ वाले पासे मर जाओ, लालसा वाशना इन्हां वाले पासे मर जाओ। पर ये किवें मरांगे, शब्द मरो, जिवें ये मरांगे फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई, फिर इस तरह एक दिन सफर मुकेगा भी तो उदन भी मौत मौत नहीं होएगी, बल्कि उदन तो होएगा फिर मुकाम पूरा हो गया। हुण अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्द पावै कोई, यह आत्मक जीवन का नाम है जी, ये नैक्टर है। पर साहब कहिंदे शब्द पावै कोई, कोई है विरला आ जिन्हों वाक्य च लगता भी हाँ ये चीज़ प्राप्त करने योग है। अंत तक तो बात बाबा जी ने बिल्कुल ही मुका दिती कि दाता है दात रखी हथे अपने जिस पावै तिस दे, क्योंकि उन्हें आप ही अपने हथां नाल ही नवाजनी है, इस किसी होर ने नहीं, कोई मीडिएटर नहीं है इहदे च, वो आप ही, उही गुरु है, उही रब है। क्या दाता है दात रखी हथे अपने जिस पावै तिस दे, नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जापै से। जिन्हां नूं नाम विच रतना आ गया रब्बी दरगाह दे विच भी उही पुगदे हुए जापते ने, उही जापते ने कि उन्हां दा धरती ते आउणा जिहड़ा सी मीनिंगफुल होया है। साहब रहमत करन इन्हां आलमी वाकां दी प्रेरणा साडे जीवन दा हिस्सा होए, ये दिली अरदास आ। इन्हीं बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारनियां कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।